हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक में। मैं अनिल मिश्रा। मित्रों, जूनियर टीजीटी निश्चय बैच में आज हम लोग पुनः एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के आए हुए हैं। और आपने देखा कि पिछली श्रृंखला जो हमारी थी वह है जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी कि प्रमुख लेखक और प्रमुख रचनाएं। इस श्रृंखला में जो है इन प्रश्नों को हमने रखा है और पिछली भी श्रृंखला जो है आपकी इसी से रिलेटेड थी। तो आज देखें इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न इस श्रृंखला में रखे गए हैं वह आपकी परीक्षा के लिए कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या तो इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो देखें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित है और पूछा गया है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक विशेषण है जो कह रहे हैं कि किस कवि के लिए प्रयुक्त है। पहला है बाणभट्ट, दूसरा है माघ, सी विकल्प है भारव्य और डी विकल्प है हर्ष। तो देखें इस तरह से यदि आपने अपने प्रश्नों का जवाब दें तो कह रहे हैं कि यह किस कवि के लिए प्रयुक्त हो सकता है, तो इसका जवाब है माघ। आपका विकल्प बी सही है, बी सही है। कह रहे कि इस प्रश्न का जवाब आपका बी सही है। महाकवि माघ को जो है घंटा की उपाधि से दिया गया है। आपने देखा कि पिछली क्लास में भी इससे संबंधित प्रश्न बनाया गया था। माघ से संबंधित माघ की एकमात्र रचना है जिसको हम लोग शिष्यपाल बधम कहते हैं। शिष्यपाल बधम में 20 सर्ग हैं। माघे संत त्रयो गुणा, यह प्रश्न पूछा गया था, पिछला प्रश्न बना था। इस तरह से देखें माघे संत त्रयो गुणा है, या तो माघ की उपाधि या तो माघ की रचना, इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है शतक त्रय में सम्मिलित नहीं, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है नीति शतक, अमर शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। कह रहे कि नीति शतक में सम्मिलित नहीं है, कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है? तो कह रहे कि नीति शतक, अमर शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। तो देखें इस तरह से यदि हम लोग देखें तो आपके प्रश्न का जो जवाब है वह क्या है, अमर शतक। अमर शतक जो है यह नीति शतक में सम्मिलित नहीं है। कवि अमरूक की रचना है, यह भी क्या है, मुक्तक है। और यहां से देखें करें कि नीति शतक, यह भी नीति आपके शतक त्रय में सम्मिलित है। वैराग्य शतक, यह भी आपके जो है शतक त्रय में सम्मिलित है। श्रृंगार शतक, यह भी आपके जो है शतक त्रय में सम्मिलित है। शतक त्रय किससे संबंधित है? तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न है मित्रों कि भर्तृहरि, भर्तृहरि, ये भर्तृहरि जो है शतक त्रय से संबंधित हैं और इन्हीं की तीनों रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो किसी तरह से भी ये प्रश्न बने तो यहां से प्रश्न का जवाब आपको स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक ये शतक त्रय में आते हैं। तो आए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है घटिका शतक। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे कि घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास और कालिदास। तो देखें यहां पर बड़ा अच्छा प्रश्न है, घटिका शतक से संबंधित कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। अंबिका दत्त व्यास जो है घटिका शतक से संबंधित हैं
इनकी एकमात्र रचना है जो संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, शिवराज विजयम। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास का पहला उपन्यास है और इनको किस उपाधि से विभूषित किया गया है? घटिका शतक से विभूषित किया गया है। तो देखें, फिर आगे चलें। चौथा प्रश्न है आपके सामने, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी के रचनाकार हैं वादीप सिंह, धनपाल, विद्यापति और बल्लाल सेन। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, देखें। कहना कि तिलक मंजरी के रचनाकार हैं वादीप सिंह, धनपाल, विद्यापत और बल्लाल सेन। तो इस तरह से देखें तो इस प्रश्न का जवाब है तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है। तो तिलक मंजरी के रचनाकार धनपाल जी हैं। और इस तरह से यदि आप देखें तो आपके इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी सही है। क्या सही है? विकल्प बी सही है। आपका विकल्प बी सही है। तो इस तरह से देखें, अब हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में लिखा गया है, आपसे पूछा गया है कि मूर्धन्य वर्णः अस्ति। मूर्धन्य मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण है, कौन सा वर्ण है? करें कि पा है, करें कि डा है, ला है और ना है। तो इस तरह से देखें तो जैसा कि आप जानते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहां पर यदि आप देखें तो सारे विकल्पों में, विकल्प में पहला विकल्प पा है, उपोध्यामानी नामोष्टो, इसका मतलब पहला विकल्प आपका सही नहीं है। करें कि दूसरा विकल्प डा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो टा वर्ग का पूरा उच्चारण मूर्धा से होता है, इसका मतलब आपका विकल्प जो है बी सही है। आपका विकल्प बी सही है। तो इस तरह से फिर हम लोग अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कल्हण की कृति राज तरंगड़ी विभक्त है। किसमें विभक्त है? उच्छ्वासों में विभक्त है, निश्वास में विभक्त है, तरंग में विभक्त है, जवनिका में विभक्त है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, कह रहे कि कल्हण की राज तरंगड़ी उच्छ्वास में विभक्त है। उच्छ्वास में जो है कौन सी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरितम है, जो उच्छ्वासों में विभक्त है। कह रहे कि निःश्वास में विभक्त है, शिवराज विजयम एक ग्रंथ है जो निःश्वास में विभक्त है, इसका मतलब तरंग में विभक्त है। इसका मतलब यही विकल्प आपका सही है कि विकल्प सी आपका सही होगा। क्या सही है? आपका विकल्प सी आंसर आपका सही होना चाहिए और यही विकल्प सही भी है। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। कवि कुल गुरु का है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि कुल गुरु का है, संस्कृत साहित्य का वह कौन सा विद्वान है जो कवि कुल गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प है माघा है, बी विकल्प है कालिदासा है, सी विकल्प है अश्वघोषा है और डी विकल्प है भारती। तो जैसा कि विश्व श्रुतु है, आप जानते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो इसके अनुसार आपका जो विकल्प है, आपका विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प बी सही है। अगले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है?
तो कह रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 21 है, 12 है, 14 है और 20 है। तो बहुत सीधा सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपका क्या है, आपका विकल्प बी सही है। आपका विकल्प जो है क्या है, तो कह रहे हैं कि आपका विकल्प जो है, आपका विकल्प सी सही है। कौन सा सही है, कह रहे हैं कि आपका विकल्प जो सही होगा वह सी सही होगा, विकल्प सी सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। क्यों है, क्योंकि भगवान शिव आप जानते हैं कि अपने डमरू को कितनी बार बजाए थे, 14 बार बजाए थे, 14 प्रकार की ध्वनियों का आगम हुआ था, उसी के आधार पर 14 प्रकार के शिव सूत्रों का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। बुद्ध चरितम के रचनाकार, बुद्ध चरितम के रचनाकार हैं गोवर्धनाचार्य हैं, अश्वघोष हैं, गोकुलनाथ हैं, रूप गोस्वामी हैं। तो देखिए यहां पर आपका विकल्प जो है बुद्ध चरितम किसकी रचना है, तो कह रहे हैं कि बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। आपका जो है विकल्प है बी आंसर सही है, अश्वघोष की रचना है। और अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है और यह भी प्रश्न जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है। तो देखें पूछा गया कि यह सवर्ण है, इसमें आ और ई सवर्णी है, ई और ई सवर्णी है, ई और ऊ सवर्णी है, ए और ओ सवर्णी है। तो देखिए आपको सवर्णी वर्ण पहचानना है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ के प्रश्नों में फिसलन होता है। तो देखिए यदि हम लोग ध्यान पूर्वक देखें तो आपका विकल्प बी सही है, यहाँ पर ई और ई सादृश्यता आप देखते हैं, अकह सवर्णे दीर्घा, सवर्णी कौन है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए तभी वह सवर्णी हो सकता है। इस तरह से आप देखें तो आपका विकल्प जो है बी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न है संख्या 12 है, पाणिनि निवासी माने जाते हैं, पाणिनि निवासी माने जाते हैं, करें गोनर्थ, उड़ीसा, सलातोर और कटक। तो देखिए ये बार बार पूछा जाता है कि पाणिनि जी का जो निवास स्थल है वह क्या है, सलातुर है, वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, पेशावर के नाम से जाना जाता है जो सलातुर वहां स्थित था, क्योंकि उस समय पश्चिमोत्तर भारत के निवासी ये माने जाते थे। और एक चीज आप जान लें कि तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, उस तक्षशिला में पाणिनि जी ने शिक्षा ग्रहण की थी और वहां शिक्षक और आचार्य के रूप में कार्य भी किया था। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 13, बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान किसे दिया, भारद्वाज को दिया, इंद्र को दिया, पाणिनि को दिया, औदुम्बरायण को दिया। तो देखें आपने इस प्रश्न का जवाब बहुत बढ़िया जवाब है, तो कह रहे हैं कि बृहस्पति ने इंद्र को दिया, व्याकरण का ज्ञान इंद्र को दिया। आपका विकल्प जो है बी सही है, विकल्प जो है कैसा सही है, तो कह रहे हैं कि आपका विकल्प बी सही है। ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने प्रजापति को दिया और इस तरह से बृहस्पति ने इंद्र को दिया। तो इस तरह से आपका यह क्रम है, तो आप देखें इसके अनुसार आपका विकल्प बी सही है, जो बहुत बढ़िया जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अधो निर्दिष्टेश
युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिन्नुतः। अधोलिखित युग्मों में से आपको चयन क्या करना है, जो आपका सही विकल्प है उसको आपको चयन करना है। तो देखिए, एक तरफ जो है उपाधि दी गई है और एक तरफ उससे संबंधित जो है लेखक हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहला घंटा, तो अभी आपने देखा कि घंटा की उपाधि से कौन विभूषित है, तो आप देखें तो घंटा माघा क्या है, घंटा माघा मतलब कहने का मतलब एक का चार, दीप शिखा कालिदास, रघुवंशम में उपाधि कालिदास को दी गई है, संचारणी दीप शिखे वरात्रो यम यम व्यतीयाय पतिम बराशा शमार्गहट यो प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाला। तो देखिए, यह भी विकल्प आपका सही हो गया कि दीप शिखा कालिदास। विद्वत औषधम नैषद विद्वत औषधम, नैषद को विद्वानों की औषधि कहा जाता है, आपका विकल्प जो है ये सही है। हासा भाषा हासा, तो इस तरह से आप देखें कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपके विकल्प सही कर दिए गए हैं। तो घंटा एक का चार, एक का चार आपके ए विकल्प का चार, इसका मतलब आपका विकल्प ए सही है। तो इस तरह से देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों की संभावना बराबर बनी रहती है संस्कृत साहित्य के प्रश्नों में आने की। तो देखें, हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनाया गया है मित्रों। तो देखें, कह रहे कि ऋतु रसाणाम किम स्थाना, ऋतु रसाणाम किम स्थानम। पहला विकल्प दिया गया है तालु दंत जिह्मा मूर्धा। तो देखें, आपका विकल्प डी सही है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं, कह रहे कि रा हैं और मूर्धन शकार जिसको हम लोग खष्टी सा कहते हैं और टा वर्ग, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो देखें, अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य से संबंधित प्रश्न बनाया गया है, भारत थे दक्षिणात औदीच पश्चिमी भारत पूर्वी भारत। तो देखें, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, भारत दक्षिणात थे, दक्षिण भारत से संबंधित थे, इनकी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, जिसमें 18 सर्ग हैं और इसी ग्रंथ पर जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है भारवे अर्थ गौरवम। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जानते रहें। अगले प्रश्न पर आए, यह भी प्रश्न मित्रों व्याकरण से बनाया गया है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अयोग वाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है कि महाप्राण को कहा जाता है, कि संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है कि अल्प प्राण को कहा जाता है। तो अयोग वाह आप जानते हैं कि देखिए, इसमें आपका विकल्प ए सही है, विसर्ग को कहा गया है। आप वैसे सामान्यतः जानते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें। प्रश्न संख्या 18, कवि बाण निवासी है, कवि बाण निवासी है, पाटलपुत्र के हैं, थानेश्वर के हैं, भोजपुर के हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला विकल्प आप देखें, दिया गया पाटलपुत्र, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। क्योंकि आप देखें तो भारत के बारे में एक सामान्य सी बातें हैं जो कि हम लोगों को
जाननी चाहिए। क्या है? क्योंकि जो इनका जन्म स्थान है, आज जिसे हम पाटलपुत्र के नाम से जानते हैं, वह आप प्रीतकूट के नाम से जानते हैं। तो इस पाटलपुत्र के स्थान पर यदि प्रीतकूट न लिख के प्रीतकूट क्या है, प्रीतकूट प्रीतकूट, तो चाहे पाटलपुत्र पूछा जाए चाहे प्रीतकूट पूछा जाए, तो दोनों में से कोई पूछा जाएगा तो प्रश्न का जवाब आपको विकल्प ए ही देना है। आए आगे हम लोग देखते हैं, तो कह रहे कि प्रश्न संख्या 19 है, संख्या है कि ङा का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठ नासिका है। तो देखें तो यहां पर आपका विकल्प जो है डी सही होगा। इसका क्या होगा, कंठ और नासिका, कंठ और नासिका, ना का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका से होता। प्रश्न संख्या 20, कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा है? बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, किसने कहा है, गेटे ने कहा है। विकल्प ए है, विकल्प बी है विलियम जोन्स, विकल्प सी है मैक्स मूलर, और विकल्प डी है साइड। तो देखें इस हिसाब से आपका विकल्प जो है क्या सही है, विलियम जोन्स सही है, आपका विकल्प बी सही है, आपका विकल्प बी सही है। आए अगले प्रश्न की चर्चा हम लोग करें। देखें मित्रों प्रश्न संख्या 21 है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं क्या आता है? पहला विकल्प है वेदांत सार, श्रीमद् भगवत, उपनिषद। बी विकल्प है ऋग्वेद, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, और डी विकल्प है श्यामवेद, गीता और उपनिषद। ये आपके चारों अल्टरनेट विकल्प में है, आपको प्रश्न को पढ़ करके आपको उत्तर देना है तो कौन सा विकल्प सही हो सकता है। और सारे विकल्पों को यदि हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रहा कि आपका विकल्प सी ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, आपका विकल्प सी सही है, विकल्प सी आपका सही। इसी तरह से आप देखें एक और प्रश्न बनता है, गद्यात्रयी की बात होती है, गद्यात्रयी में डंडी बाण सुबंध आते हैं, वहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी तरह से बृहत्त्रयी की भी चर्चा की जाती है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन आता है, तो वहां से भारत भी माघ श्रीहर्ष की बात चर्चा होती है। लघुत्रयी की बात होती है तो लघुत्रयी में कालिदास की तीन रचनाएं हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। ये आपके प्रश्न यदि आप कुछ जानते रहिए, यहां से प्रश्न आपके अवश्य रहेंगे। तो देखें प्रश्न संख्या 22, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है वृद्धिरेच, पुनियोगाद्याख्याम, अह आह अह अह अह। देखिए ये क्या है, अह अह रोरी। तो इस हिसाब से देखें आपका विकल्प सी सही है, क्या सही है, आपका विकल्प सी सही है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अह अह है और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धिरादेश है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस तरह से आप देखें तो यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आए हम लोग अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कह रहे कि ब्रह्मा ने व्याकरण की शिक्षा, ब्रह्मा से व्याकरण की शिक्षा लेने वाले हैं कौन है? तो यहां पर देखिए ये प्रश्न है, यहां पर इसका जवाब है कि बृहस्पति। ब्रह्मा से व्याकरण की शिक्षा बृहस्पति ने ली थी।
तो अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न है गीत गोविंद काव्यस्य कह विषय है। गीत गोविंद काव्यस्य कह विषय है, नीति है, भक्ति है, अर्थ नीति है, समाज नीति। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कह रहे कि गीत गोविंद की जो रचना है उसका विषय वस्तु क्या है। तो देखिए कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो एक चीज आप देखें, आपका विकल्प बी सही है, आपका विकल्प बी सही है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और जयदेव जी ने इसमें भक्ति पर आधारित जो भी इसमें गान किया है, भक्ति के माध्यम से जो है जनता को प्रेरित किया है। आपने देखा कि इतने सरल भाषा में जो है संस्कृत भाषा के पद्यांशों को रच करके भगवान श्री कृष्ण की इसमें उपासना की है, भज गोविंदम है? इस तरह से देखिए, बने बने बनमाली, ललित लवंग लता परसीलन, कोमल मलय समीरे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति पर आधारित है। तो आप देखें इसका विषय वस्तु क्या है, भक्ति है। श्रवण संज्ञा विधायक सूत्र है, यह भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। कह रहे कि झरो झर सवर्णे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम अकह सवर्णे दीर्घा हलंतयम। तो देखें श्रवण संज्ञा क्या है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान हो। तो इसका मतलब आपका विकल्प क्या सही है भैया, विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या है कि ईषद विवृत प्रयत्न वर्णाह संति, प्रयत्न से संबंधित प्रश्न है और ईषद विवृत पूछा जा रहा है। तो ईषद विवृत वर्ण नाम सल प्रत्याहारा, मतलब उस वर्ण की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपका विकल्प सी सही है, आपका विकल्प सी सही है। आपके प्रश्न का जवाब बहुत अच्छा है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखें अगले प्रश्न की चर्चा हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है जतुकर्णी पुत्रः भवति, जतुकर्णी है पुत्रः भवतु, जतुकर्णी के पुत्र हैं कौन है, भवभूति कालिदासा है, माघा है, श्रीहर्षा है। तो जतुकर्णी पुत्रः, भवभूति को जतुकर्णी पुत्रः कहा जाता है। तो इसके हिसाब से आपने देखें कि आपका जो पहला विकल्प है बहुत महत्वपूर्ण है और वही सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों की बात बताई जा रही है, पूछी जा रही है। कह रहे हैं कि दो है, कि 14 है, कि 5 है, कि 10 है। तो देखिए व्याकरण के प्रयोजन, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन 5 हैं। तो देखें इस तरह से आपका विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, आपका विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अधोलिखित अधो निर्दिष्टेषु स्पर्शः मा या ई वा। तो आप देखें आपसे स्पर्श वर्ण पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको स्पर्श वर्ण बताना है। तो क्या हो सकता भैया, तो कह रहे कि सारे इसमें जो है क्या है, तो आपका विकल्प ए है जो मां है। यह मां क्या है, यह स्पर्श वर्ण है। उदित के बारे में आपने देखा है, उदित क्या है, जिसमें उदित है वही उदित है। अर्थात वर्गों के सभी वर्ण जो है क्या है, स्पर्श वर्ण है। चाहे वह का वर्ग हो, चाहे वह च्या वर्ग हो, चाहे वह टा वर्ग हो, चाहे वह ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो। कार्यो मावसाना भी इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है, संख्या 25 है। इस तरह से आप देखें आपका विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, ये लास्ट प्रश्न है और इस श्रृंखला का
और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखें, आपका प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुण एव कहकर करुण रस का रसराज घोषित कर दिया गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह से आप देखें, पहला विकल्प कालिदासा है, बी विकल्प अश्वघोषा है, सी विकल्प बाणभट्टा है और डी विकल्प भवभूति है। तो देखें, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, आपका डी विकल्प सही है, आपका डी विकल्प सही है, भवभूति को जो है करुण रस का रसराज घोषित कर दिया गया है। उत्तर रामचरिते भवभूत विशिष्यते, एक प्रश्न यह भी इनसे पूछा जाता है, करुण रस का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है, यह भी एक प्रश्न इनसे पूछा जाता उत्तर रामचरितम। तो इस तरह से आप देखें, यह आपकी श्रृंखला है और इस श्रृंखला से संबंधित 30 प्रश्नों को हमने आपके सामने लाया था। और मित्रों, इसको आप बार बार आप अभ्यास करिएगा और इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला आपके परीक्षा तक, लगभग ऐसे श्रृंखला का समायोजन संस्थान के द्वारा किया जा रहा है और हम 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, चाहे वह व्याकरण की टॉपिक होगी, चाहे वह समास की टॉपिक होगी, चाहे संध की टॉपिक होगी, बराबर आपके साथ आते रहेंगे और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। आप लोग घबराएं न, व्यवस्थित रूप से कम समय में अच्छी रणनीति बना करके आप पढ़ने का प्रयास करें, आपको अपना लक्ष्य जरूर जो है मिलेगा। और इसी के साथ साथ आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।